देखिए, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इस सेशन में, आज हम अपना टैक्स इनवॉइस के सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद आज हम एनालाइज करेंगे टैक्स इनवॉइस का मतलब। कुछ और बातें भी जानेंगे टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड जो हमने अपनी लास्ट क्लास में टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। तो हम चलें आगे चलते हैं और थोड़ा सा इसमें और डिटेल में सीखते हैं। सबसे पहले टैक्स इनवॉइस इशू बाय सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विस। ये मैं भी जानता हूँ और ये आप भी जान गए कि आज के बाद हम जब भी टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे तो टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विस पर। लेकिन अगर कोई बंदा टैक्सेबल एग्जेम्प्ट सर्विस बेचता है या एग्जेम्प्ट गुड्स बेचता है तो उस केस में क्या नहीं इश्यू होगा, आपका टैक्स इनवॉइस इशू नहीं होगा, उस समय आपका बिल ऑफ सप्लाई इशू किया जाएगा। यहाँ पर लिखा भी है, अ रजिस्टर्ड अ टैक्स इनवॉइस शैल बी इश्यू बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विस और बोथ। सच टैक्स इनवॉइस शैल शो द प्रेस्क्राइब पर्टिकुलर पर्टिकुलर, और साथ साथ वो क्या मेंशन करना है, पर्टिकुलर मेंशन करना है। लिखा है टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस सेक्शन 31 सबसेक्शन 1। किसकी बात है ये? गुड्स की। ये किसकी बात है? सर्विस की। ये किसकी बात है? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स गुड्स की बात है। गुड्स की बात है। ये किसकी बात है? कंटिन्यूअस सप्लाई सप्लाई ऑफ ऑफ सर्विस। सर्विस की बात है। द टाइम फॉर इश्यूइंग एनी इनवॉइस वुड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सप्लाई एंड वाइस ए बिजनेस वेदर इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। ठीक है, समझ आ गया। आगे चलते, आपको याद होगा जब हमने सर्विस की बात हमने जब गुड्स की बात करी थी, अब डिफरेंस आ रहा है इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। तो क्या था, इनवॉइस शैल बी इश्यू बिफोर और एट द टाइम। कि कह रहा है कि जब आपको इनवॉइस कब करना, या तो माल निकल जाए, ठीक है, क्या निकल जाए, इनवॉइस बन जाए, या फिर माल निकल जाए तब डिलीवरी आपको बिल बनाना। लेकिन सर्विस के केस में क्या था, इनवॉइस शैल बी इश्यू बिफोर और आफ्टर द आफ्टर प्रोविजन ऑफ सर्विस बट विद इन पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डे ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। जिस दिन तुम सप्लाई ऑफ सर्विस दोगे उसके 30 दिन, और लेकिन अगर बैंकिंग कंपनी हो तो कितने दिन पैंतालीस था, 45 दिन। किस केस में? रिमूवल ऑफ गुड्स, और दूसरा दूसरा क्या था हमारा, दूसरा था डिलीवरी डिलीवरी ऑफ ऑफ गुड्स। गुड्स मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू द रिसिपिएंट इन एनी अदर केस। क्लियर है? कोई दिक्कत आ गया, आ जाए इसके बाद। क्लियर है? इतना समझ गए। इन केस ऑफ कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स, तो कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स में क्या था, या तो तुम्हें पेमेंट मिल जाए या फिर तुम्हें स्टेटमेंट इश्यू हो जाए, जो दोनों में से जल्दी हो तब तुम्हें क्या करना है, टाइम इनवॉइस इश्यू करना है। लेकिन सप्लाई के केस में क्या था, सप्लाई केस में था कि अगर तुम्हारी पेमेंट की डेट असर्टेनेबल है, ठीक है, तो जो डेट आए उस दिन बिल इश्यू करो। जब तुम्हारी पेमेंट की डेट क्या ना हो, असर्टेनेबल ना ना हो, हो तो जिस दिन तुम्हें पेमेंट मिले। और तीसरा क्या था, जब कोई इवेंट के बाद आप कोई पैसा ले तो तब बिल आपको इश्यू करना करना हैगा। क्लियर है? आगे चल सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, आप इसे पढ़ लेना, कोई अलग नहीं है, ठीक है, आप पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, नहीं समझ आए तो फिर आप मेरे साथ डिस्कस कर लेना। के लिए चलें आगे आ जाए। अब यहां पर कुछ बातें लिखी हुई, ये लिखी हुई है कि जब आप बिल बनाओगे तो आपको क्या ध्यान रखना है। आपको पता था, हमने एक सेक्शन सीखा था कि हम रूल 46 में सीखेंगे कि जब आप टैक्स इनवॉइस बनाओगे तो बिल पर क्या-क्या चीजें मेंशन करोगे, ये बातें लिखी हुई थी। उसमें क्या लिखना था, हमें अपना नेम लिखना था जिसको बेच रहे हैं, एड्रेस, जीएसटी नंबर ऑफ सप्लायर, ठीक है, सप्लायर मतलब जो माल बेच रहा है। साथ साथ वो जो भी बिल बनाएगा उस बिल की जो नंबर होंगे वो 16 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है, कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर नॉट एक्सीड 16 डेज। तो याद रखना, जब तुम्हें फ्लिपकार्ट एमेजोन से कोई बिल आते हैं, अगर आप ई कॉमर्स का काम करते हैं तो उनकी लेंथ 16 कैरेक्टर की होती है, उससे ज्यादा आप कभी मत डालना,
क्लियर है, और डालोगे ना तो आपका कोई सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट करेगा और ना ही जीएसटी पोर्टल उन बिल के नंबर को एक्सेप्ट करेगा, क्लियर। और इन वन और मल्टीपल, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपका बिल एक चल रहा है टी ऑब्लिक 1920 ऑब्लिक वन, तो आप एक और भी बना सकते हो एसएस 1921, मतलब एक साथ आप मल्टीपल सीरीज को चला सकते। मान लो आपका एक बिजनेस है दिल्ली में, लेकिन वो चार ब्रांचों में फैला हुआ है। कितनी ब्रांचों में फैला हुआ है? चार चार ब्रांचों में ब्रांचों फैला हुआ है, तो आप इस जीएसटी नंबर को चार पार्टों में बांट सकते हैं। कितने पार्टों में इनवॉइस को बांट सकते हैं? चार पार्टों में, कोई दिक्कत नहीं। इनवॉइस के अंदर आपको अल्फा रखना है, न्यूमेरिकल रखना है, या कोई स्पेशल कैरेक्टर रखना है, आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं में। है, क्लियर है। लेकिन स्पेशल कैरेक्टर में आपको हाइफन और डैश ही यूज कर सकते हो, या फिर स्लैश। इसके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करोगे, जैसे एट द रेट आप यूज नहीं करोगे, आप डॉलर का साइन यूज नहीं करोगे, ठीक है, या तो हाइफ, ठीक है, हाइफन डैश और स्लैश का आपको यूज करना है, इसके अलावा कोई दूसरा आप यूज नहीं करोगे, ठीक है। जी इसके बाद डेट ऑफ इश्यू, साथ साथ बिल पर यह भी मेंशन करना है कि तुम्हारी डेट क्या है, किस दिन तुम माल को निकाल रहे हो अपने पास से। अब डी पॉइंट आता है जो इम्पोर्टेंट, इफ रिसिपियंट इज रजिस्टर्ड, अगर रिसिपियंट क्या होता है, रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड तो उसका नाम आएगा, उसका एड्रेस आएगा, उसका जीएसटी नंबर आएगा, यूएनआई नंबर आएगा, और बस ये आएगा। लेकिन अगर पर्सन क्या है, अनरजिस्टर्ड है, क्या है, अगर पर्सन अनरजिस्टर्ड है और माल की वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा की है, तो आप लोग उसका नाम भी पूछोगे, उसका एड्रेस भी पूछोगे, ऑफ द रिसिपियंट एंड द एड्रेस ऑफ डिलीवरी अलोंग विद द नेम ऑफ स्टेट कोड आल्सो। मतलब मेरा लैपटॉप का बिजनेस है, मेरे पास कोई लैपटॉप लेने आता है, अगर वो 50,000 से कम लेगा तो मैं उसका ना तो स्टेट पूछूंगा ना तो मैं उसका नाम पूछूंगा। लेकिन अगर वो 50,000 से ज्यादा का लेने आएगा, 50 से कम होगा, तो मैं कुछ भी नहीं पूछूंगा, मैं कैश में बिल बनाकर दे दूंगा। लेकिन अगर वो बंदा मुझसे 50,000 रुपए से ज्यादा का माल लेगा, तो मैं उससे हर चीज पूछूंगा, सर आपका नाम क्या है, सर आपका एड्रेस क्या है, सर आपका ये क्या है, सर आपका वो क्या है, वो हमें सब बताएगा, क्लियर है। लेकिन अगर किसी का बिल 50,000 रुपए से नीचे का है और वो जिद करता है कि आप मेरा एड्रेस डाल दो, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसका एड्रेस मेंशन कर दें। लेकिन अगर वो कहता है मत डालो, तो फिर आप मत डालना, ठीक है। लेकिन सर ऐसा कौन है जो अपना एड्रेस देने को मना करेगा, सर ऐसा कौन है जो अपना नाम बताने को मना करेगा, सर ऐसा कौन है जो अपना मोबाइल नंबर देने को पता करेगा। सर अगर मैं 50 का माल लेके जाऊंगा तो मेरा क्या फायदा, आपको फायदा नहीं लेकिन आपके स्टेट का फायदा है। कैसे, जब 50,000 का माल तुम अपने स्टेट के नाम से बनाओगे तो तुम्हारा टैक्स किसको मिलेगा, तुम्हारे स्टेट को, तुम्हारा स्टेट डेवलप होगा, आगे ग्रो करेगा, उसका ग्रो आपको बेनिफिट मिलेगा। इसलिए जब आप ज्यादा बिल लें तो आप उस पर डेफिनेटली अपने स्टेट का नाम मेंशन करें, जिससे आपके स्टेट को बेनिफिट मिलेगा, जहां आप रहते खाते कमाते पीते हैं। लेकिन सर जो 50,000 से नीचे अगर वो जिद करे तो डाल दें। लेकिन सर हर कोई तो अपना नाम बता सकता, हर कोई नहीं बताता। मान लो मेरा लैपटॉप का दुकान है, मेरे पास कोई लड़की आती है, कहती है सर एक लैपटॉप चाहिए, मैंने कहा नाम, उसने कहा सर नाम क्यों पूछ रहे हो, नाम क्यों पूछ रहे हैं आप मेरा, मैंने कहा एड्रेस, उसने कहा आप एड्रेस क्यों पूछ रहे हैं, मैंने कहा मोबाइल नंबर, उसने कहा मोबाइल नंबर क्यों पूछ रहे हैं, तो क्या वो देगी, नहीं देगी, क्यों, क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन है। तो ऐसे केस भी हो सकते हैं कि अगर वो दे तो डाल देना, और ना दे तो आप कैश करके बना लेना, आप ज्यादा जिद मत करना कि हमें तो आपका नाम लिखना है वगैरह वगैरह, तो आप वो देती है तो डालना, नहीं देती तो मत डालना, क्लियर। तो ये बात हो सकती है, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि आप जिद मत करना कि आप दो दो, हो सकता है फिर वो आपसे माल ही ना खरीदे, तो उस केस में आपसे छोड़ देना। एफ, एफ में क्या बोला है कि अपने बिल पर क्या मेंशन करना, एचएसएन कोड भी मेंशन करना, साथ साथ डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स भी मेंशन करना, कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, वो भी मेंशन करना, साथ साथ यूनिट भी मेंशन करना कि यूनिट का टाइप क्या है, उसके साथ साथ टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, कितने का माल है, कितने की सर्विस, वो भी आपको मेंशन करना
करना है। टैक्सेबल वैल्यू कितनी है वो भी आपको मेंशन करनी है। क्या रेट लग रहा है, रेट में कितना सीजीएसटी, कितना जीएसटी, कितना आईजीएसटी, कितना यूनियन टेरिटरी, सब मेंशन करना है। ठीक है, टैक्स किस पर चार्ज हो रहा है ये सब आपको बताना है। प्लेस ऑफ सप्लाई अलोंग विद नेम स्टेट इन केस ऑफ सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ऑफ कॉमर्स, ये भी मेंशन करना है कि आपका माल कौन से स्टेट में जा रहा है। ठीक है, अगर माल आपका एक से दूसरी प्लेस पे जा रहा है, मान लो एक ए बंदा था, उसने बी को ऑर्डर दिया, ए ने बी को ऑर्डर दिया और कहा मेरा माल किसको पहुंचा देना, सी पे। बिल बनाएगा बी के नाम से, डिलीवरी किसको कर देगा, सी के नाम से। तो हमें डिलीवरी एड्रेस भी चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा हमें, डिलीवरी एड्रेस भी चाहिए होगा। बिल बनाएंगे हम बी से नाम पर, लेकिन डिलीवरी किसको कर देंगे हम, सी पर। यहाँ पर लिखा है एड्रेस ऑफ डिलीवरी वेयर द सेम इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ सप्लाई, क्लियर है। और उसके बाद क्या लिखा है, वेदर द टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। अगर रिवर्स चार्ज बेसिस पर, तो लिखना पड़ेगा कि उसके आगे रिवर्स चार्ज, और उसे क्या कर देना पड़ेगा, यस कर देना पड़ेगा। और उसके बाद जो भी आपके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनके आपको क्या चाहिए होंगे, बिल पर सिग्नेचर भी चाहिए होंगे। क्या चाहिए होंगे उसको, बिल पर सिग्नेचर भी चाहिए होंगे, क्लियर है। अब आ जाए F5 पार्ट पे, नंबर ऑफ HSN कोड रिक्वायर्ड ऑन टैक्स इनवॉइस एंड क्लास ऑफ रजिस्टर पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू मेंशन रूल 46। कह रहा है किन किन लोगों को HSN नंबर डालने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले HSN का मतलब होता है हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर। क्या होता है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, क्या होता है, हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर, क्या होता है, हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर। सर HSN कोड होता क्या है, जैसे हर प्रोडक्ट का एक नाम होता है, लैपटॉप को लैपटॉप बोलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कहती है हम लैपटॉप को लैपटॉप के नाम से नहीं जानते, हमने इसका कोड दे रखा है 8503। क्या दे रखा है, 8503। कल को तुम मेरे पास आओ, तुम कहो सर मैंने लिनोवो का खरीदा था, मैंने डेल का खरीदा था, हम कहेंगे तो किसी भी कंपनी का माल खरीद, हम तो इस आइटम के HSN कोड से इसको जानते हैं, किसी और नाम से हम इसको नहीं जानते। तो इसलिए कि आप लोग जब किसी को माल बेचो तो क्या रखना, HSN कोड डाल के रखना। और सर ये बताओ HSN कोड कितने अंकों का होता है, HSN कोड 8 डिजिट्स का होता है, कितने अंकों का होता है, 8 डिजिट्स का होता है। लेकिन क्या सर हमें पूरा HSN कोड डालना होता है या कम डालना होता है, देखिए गवर्नमेंट ने दिए तो टोटल 8 डिजिट आपको डालने के, लेकिन गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी। क्यों रिलैक्सेशन दी, एक मैं छोटा दुकानदार हूँ, परचून की दुकान चलाता हूँ, मेरे पास आटा है, चीनी है, चाय है, वगैरह वगैरह 10 आइटम और, क्या मैं उन सबका HSN कोड डाल सकता हूँ, मेरे लिए कितनी डिफिकल्टी होगी, मैं यही काम करूंगा या HSN कोड डालूंगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि तुम अगर पढ़े लिखे हो तो 8 डाल दो, नहीं पढ़े लिखे हो तो आप अपनी लिमिट के हिसाब से डाल देना, जो हमें अभी आपको बताएंगे, क्लियर। सर कैसे लिमिट के हिसाब से, मतलब गवर्नमेंट ने कहा, जैसे अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि आप लैपटॉप खरीद के आए, तो लैपटॉप किसके अंदर आता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर आए, तो पहले गवर्नमेंट ने चैप्टर बना दिया इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर एसेसरी, एसेसरी के अंदर क्या, लैपटॉप। तो पहली कैटेगरी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक, दूसरी क्या हो गई, एसेसरी, और तीसरा क्या हो गया, लैपटॉप। ऐसा ही अगर तुमसे पूछे तुम कहां रहते हो, क्योंकि सर चोर बाजार में रहते हैं, कहां रहते हैं हम लोग, सर चोर बाजार में रहते हैं, आपने बोल दिया सर हम कहां रहते हैं, चोर बाजार में रहते हैं, लेकिन तुम इंडिया से बाहर गए हो, तुमने कहा सर मैं चोर बाजार में रहता हूं, उसे क्या पता दिल्ली में कहां चोर बाजार है, तुम क्या बोलोगे कि सर मैं इंडिया में रहता हूं, वो पूछेगा इंडिया में कहां पर, वो कहेगा सर दिल्ली में रहता हूं, सर दिल्ली में कहां पर, चोर बाजार में, तो वो भी कहेगा मैं भी वहीं रहता हूं चोर बाजार में, ठीक है। तो हो सकता है, तो आपको ये क्लासिफाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये क्लासिफाई करना पड़ेगा कि तुम कौन कैटेगरी में आते हो, वरना गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करेगी। तो इसलिए कहा गवर्नमेंट हम तुम्हें एक HSN कोड देंगे, और तुम जब भी HSN कोड डालोगे तो उससे हम पता कर लेंगे तुमने कौन सी आइटम खरीदी। अब हमें ये नहीं पता करना कौन सी कंपनी, हमें तो ये पता करना है तुम ये आइटम कितनी खरीद के ला रहे हो,
और इसका कोड क्या है, क्योंकि नाम तो एक क्लास में दो नाम के बच्चे हो सकते हैं लेकिन एक रोल नंबर के दो बच्चे कभी नहीं हो सकते। चलें आगे। तो ये बोर्ड में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, ये किसकी मंजूरी ली उसने, काउंसिल की मंजूरी लेने के बाद ये डिसीजन लिया। द नंबर ऑफ डिजिट ऑफ एचएसएन कोड फॉर गुड्स और सर्विस दैट अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू मेंशन फॉर सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइंग इन सेड नोटिफिकेशन। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया कि अगर किसी व्यक्ति का लास्ट ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है तो उसे अपने बिल पर एचएसएन कोड डालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं अगर एक छोटा व्यापारी हूं जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से नीचे का है तो मुझे अपना एचएसएन कोड डालने की आवश्यकता नहीं है, मैं जितना मर्जी माल बेचूं। लेकिन अगर मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच में आता है तो मुझे उसके स्टार्टिंग के 2 डिजिट डालने पड़ेंगे, जैसे मान लो 9607999, ये एचएसएन कोड है तो स्टार्टिंग के खाली मुझे कितने डालने पड़ेंगे, 2, वो भी कौन सा 96। लेकिन अगर मेरा टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का होता है तो मुझे अपने स्टार्टिंग के 4 डिजिट डालने पड़ेंगे, कितने डिजिट, 4 डिजिट डालने पड़ेंगे, और अगर मैं ज्यादा भी डालना चाहूं तो पूरे 8 के 8 भी डाल सकता हूं। क्लियर है? तो ये बात याद रखना है। देखिए छोटी छोटी बातें लेकिन अगर आपको याद होगी तो आपको बहुत बेनिफिट भी मिलेगा इसका। 6th पॉइंट, मैनर ऑफ इशूइंग द टैक्स इनवॉइस सेक्शन अंडर 31 सबसेक्शन 1 अंडर सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 विद रीड रूल 48। क्या करना है, जब आप बिल बनाओगे तो ये बातें याद रखना। इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर गुड्स बेचोगे तो इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड इन, क्या करना है आपको इनवॉइस प्रिपेयर करनी और एक बार में आपको 3 इनवॉइस निकालनी है। अगर आप गुड्स का काम करते हैं तो आपको 3 बिल निकालने हैं एक साथ, कितनी कॉपी निकालनी है, 3 कॉपी। पहली कॉपी पर लिखना ओरिजिनल, जो किसके लिए होगी, ओरिजिनल फॉर रिसिपिएंट, जो सर्विस लेगा ये उसके लिए होगी। दूसरी डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, अगर माल किसके थ्रू जाएगा, ट्रांसपोर्टर के थ्रू जाएगा तो डुप्लीकेट किसकी होगी, ट्रांसपोर्टर, और डुप्लीकेट किसके लिए होगी, सप्लायर के पास जो अपने पास साइन करके रखेगा। तो इसका मतलब अगर मैं किसी को माल बेचता हूं और मैं गुड्स का व्यापारी हूं तो मैं एक बार में 3 कॉपी निकालूंगा, पहली ओरिजिनल फॉर रिसिपिएंट, सेकंड डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर और डुप्लीकेट फॉर सप्लायर। क्लियर? लेकिन अगर सर्विस की बात हो तो मुझे ओरिजिनल फॉर रिसिपिएंट और डुप्लीकेट फॉर सप्लायर, इसमें ट्रांसपोर्टर की तो कोई बात आएगी ही नहीं। क्लियर है? उसके बाद द सीरियल नंबर ऑफ इनवॉइस इश्यूड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड शैल बी फर्निश्ड इलेक्ट्रॉनिकली, उसके बाद उस चीजों को कहां दिखाना है, GSTR 1 में मेंशन भी करना है। इनवॉइस इन केस ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विस 3rd प्रोविजो ऑफ रूल 46, अगर आप माल क्या करते हो एक इंडिया से दूसरी इंडिया बेचते हो तो उस समय आपको क्या करना होगा, एक टैक्स इनवॉइस बनाना होगा। लेकिन आपको पता होगा जब इंडिया से बाहर मैं किसी चीज को एक्सपोर्ट करता हूं तो एक्सपोर्ट में 2 बातें होती हैं, या तो मैं विद टैक्स पे करता हूं या फिर मैं विदाउट टैक्स पे करता हूं। ठीक है, ये 2 बातें होती हैं, या तो मैं टैक्स के साथ पे करता हूं या फिर मैं विदाउट टैक्स पे करता हूं। तो ये लिखा है कि रूल 46 के 3rd प्रोविजो में ये बात लिखी हुई, सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स IGST लगा के पेमेंट कर दो या फिर विदाउट IGST के पेमेंट करो, लेकिन साथ में आपको क्या चाहिए होगा, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, क्या चाहिए होगी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम एक्सपोर्ट करते हो विद टैक्स तो भी कोई दिक्कत नहीं, और अगर विदाउट टैक्स पे करना चाहते हो तो आप मुझे क्या लाके दे देना, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लाकर दे देना, हम समझ जाएंगे। सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट, सप्लाई ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशन ऑन पेमेंट ऑफ
such integrated tax supply meant for export supply to the special economic zone unit, special economic zone developer for the authorized operation under bond or letter of undertaking without payment of IGST. ठीक है, आगे आ जाते हैं, क्लियर है? तो ये बातें हमें याद में रखनी थी। रिवाइज इनवॉइस मैंने बता दिया था कि अगर तुम लोग अपना जेसी नंबर अप्लाई करते हो, जेसी नंबर अप्लाई करते वक्त बीच के दौरान जो भी आप माल बेचते थे उसके लिए फिर आपको एक और इनवॉइस इश्यू करनी होगी, इसका नाम क्या होगा? टैक्स इनवॉइस। क्या होगा? रिवाइज इनवॉइस। क्या होगा? फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन टैक्स इनवॉइस शैल इंक्लूड एनी रिसीव इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस क्या इंक्लूड हो जाएगी? रिसीव इनवॉइस बाय द सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई मेड अर्लियर। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन से सर्टिफिकेट मिलने से पहले उसने की थी विद इन 30 डेज। क्लियर है? यहां बताया भी गया इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट, इन दोनों के बीच में जितना भी आपने माल बेचा होगा, जितना भी माल आपने बेचा हो उसके लिए आप क्या इश्यू करोगे? रिवाइज इनवॉइस। क्या इश्यू करोगे? रिवाइज इनवॉइस इश्यू करोगे। क्लियर है? आ जाओ यहां पर, कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इन सर्टेन गैप। अब हो सकता है उसने एक महीने में रिवाइज इनवॉइस 500 बिल काट दियो। अब प्रॉब्लम यह है कि 500 इनवॉइस को क्या करेगा? क्या वो कंसोलिडेट कर सकता है? कंसोलिडेट कर सकता है। कैसे कंसोलिडेट करेगा? अगर एक पार्टी को, ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, मिस्टर ए रजिस्टर्ड सप्लाई। अगर मिस्टर ए क्या है? एक रजिस्टर्ड सप्लाई, उसने सप्लाई ए 2 3 4 ली, तो ए वो बंदा क्या बना सकता है? इसका कंसोलिडेटेड सप्लाई क्या कर सकता है? बना सकता है। अगर एक बंदा है मिस्टर बी इन अनरिसिपिएंट, मिस्टर ए रजिस्टर्ड थे और मिस्टर बी क्या थे? अनरजिस्टर्ड थे, तो वो बना सकता है। क्लियर है? मान लो तुम मेरे पास आते हो, तुम मुझसे उस समय जब मैंने जीएसटी नंबर अप्लाई करा था और जीएसटी नंबर मिलने तक तुमने मुझसे 50 ट्रांजेक्शन करी, तो मैं 50 का एक ही बिल बना सकता हूँ। लेकिन तुम लोग क्या थे? वो अनरजिस्टर्ड थे। तुम लोग क्या थे? अनरजिस्टर्ड। तो मैं कंसोलिडेटेड बिल बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखा है हाउएवर इन इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई द कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस कैन नॉट बी इश्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट इफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सीड 2,50,000। लेकिन कब तक? जब तक वैल्यू कितने से कम हो? 2.5 लाख से कम। लेकिन अगर ऑल रिसिपिएंट की वैल्यू कितने से ज्यादा हो जाएगी? क्या हो जाएगी? 2.5 लाख से ज्यादा हो जाएगी, फिर मैं इशू नहीं कर सकता। मैं कंसोलिडेटेड ईवे बिल कंसोलिडेटेड क्या बना सकता हूँ? रिवाइज इनवॉइस ओनली जब पार्टी क्या हो? अनरजिस्टर्ड, और बिल की टोटल कितनी कम हो? 2.5 लाख से कम की हो। क्लियर है? इसके बाद आ जाओ रिवाइज इनवॉइस पे, वही बता रहा है कि आपको जीएसटी नंबर चाहिए, डॉक्यूमेंट का नाम लिखना है, आपको वो डालना है 16 अंकों का क्या डालना है, सीरियल नंबर डालना है, डेट डालनी है, नेम डालना है, और वही बातें कुल मिला के उसने यहाँ पर बता दी जो उसने बात वहां में बताई थी। क्लियर है? आ जाओ बिल ऑफ सप्लाई सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 और क्लोज 3। क्या? रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई एग्जाम गुड्स और सर्विस और बोथ। अगर कोई बंदा एग्जाम गुड्स बेचता है, ठीक है, या फिर सर्विस बेचता है, ठीक है, तो उस केस में क्या नहीं बना सकता? वो टैक्स इनवॉइस नहीं बना सकता। क्या बनाएगा? वो बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है, पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, तब भी वो क्या बनाएगा? टैक्स इनवॉइस नहीं बनाएगा। क्या बनाएगा? बिल ऑफ सप्लाई बनाएगा। क्लियर? और पर्टिकुलर तो वही लिखना है जो बात हर जगह है, वही लिखना है अपने बिल पर क्या क्या चीजें मेंशन करनी है। रिसीव वाउचर में समझ में आ गया? अगर आपको कोई एडवांस पेमेंट देता है तो उसके लिए आप क्या बनाओगे? रिसीव वाउचर बनाओगे। रिसीव वाउचर पे वही चीजें मेंशन करनी है, ठीक है, एडवांस टैक्स, ठीक है, फिर आपको टैक्स भी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। रिफंड वाउचर, रिफंड वाउचर क्या होता है? किसी ने तुम्हें एडवांस दिया, तुमने उसे क्या दे दिया? रिसीव वाउचर दे दिया, ठीक है, सप्लाई हुई और टैक्स इनवॉइस, लेकिन हुआ क्या, बाद में सप्लाई हुई नहीं, ठीक है, बाद में टैक्स इनवॉइस गया नहीं, तो उसे क्या करना पड़ेगा? रिफंड वाउचर इश्यू करना पड़ेगा। ठीक है,
बस इतना ही करते हैं आज के लिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये था हमारा एनालाइज कि जो हमने अभी तक करा ये डिलीवरी चालान। एक बार ये कर लेते हैं, डिलीवरी चालान अगर आप माल किसके थ्रू बेचें, गुड्स ऑन अप्रूवल बेस से बेचें, तो आपको क्या इशू करना पड़ेगा, डिलीवरी चालान जो रूल 55 के अंदर कवर किया गया है। क्लियर है? डिलीवरी चालान पे वही कितनी क्वांटिटी है, किस समय रिमूव हो रहा है वगैरह वगैरह मेंशन करना है। नेचर ऑफ सप्लाई, सप्लाई ऑफ लिक्विड गैस वेयर द क्वांटिटी एट द टाइम ऑफ रिमूवल फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस टू द सप्लाई इज नॉट नोन। ठीक है, तो बता रहा है टैक्स इनवॉइस कब बना, डिलीवरी चालान हम कब बनाते हैं, डिलीवरी चालान हम तब बनाते हैं जब हमारा माल किसके थ्रू जाता है, गुड्स ऑन अप्रूवल बेस के थ्रू जाता है। हमें उसे क्या लिखना होगा, 16 अंकों का हमें डिलीवरी चालान डालना होगा, 16 या 16 से कम का डालना होगा। डिलीवरी की डेट डालनी होगी, पार्टी का जीएसटी नंबर डालना होगा, एड्रेस डालना होगा, पार्टी अगर अनरजिस्टर्ड होगी तो नाम डालना होगा, ठीक है, और स्टेट डालनी होगी। क्लियर है? तो बाकी आप लोग पढ़ लेना, अपने टॉपिक को यहीं स्टॉप कर दें।